दिवाली छठ में बिहार आना हुआ मुश्किल, फ्लाइट्स की कीमत छू रही आसमान, 5,000 की जगह लग रहे 25,000। दिवाली और छठ पर्व में अब ज्यादा दिन का समय नहीं बचा है, इस दौरान बिहार आने वाले यात्रियों की संख्या काफी बढ़ गई है। नतीजा ये है कि दूसरे राज्यों से बिहार आने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस साल की तरह इस बार भी, आपको बता दें हर वर्ष की तरह इस बार भी लोगों को दिवाली और छठ पर दूसरे राज्य से बिहार आना महंगा पड़ रहा है। बिहार आने वाले ट्रेनों में अब जगह नहीं बची है, तो वही फ्लाइट्स की टिकट के दाम आसमान छू रहे हैं। फ्लाइट से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और पुणे से पटना आने के किराए में 3 से 4 गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है। 9 नवंबर से ही दूसरे राज्यों से पटना आने वाले फ्लाइट्स की कीमत में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, छठ खत्म होने के बाद पटना से बाहर जाने का किराया भी बढ़ चुका है। हवाई टिकट की बुकिंग भी भारी मांग की वजह से इनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अब आपको ये बता दें कि दिल्ली से पटना तक अधिकतम विमान दर क्या किराया है। 9 नवंबर को दिल्ली से पटना विस्तारा 19,300, दिल्ली से पटना जो इंडिगो एयरलाइंस है उसमें 20,550, दिल्ली से पटना एयर इंडिया 18,600, दिल्ली से आपको बताते चले दिल्ली से पटना स्पाइसजेट जो है इसमें 11,200, तो इसका किराया मैंने आपको बता दिया। और मुंबई से पटना तक कितना विमान दर है, क्या किराया है, मुंबई से पटना जो विस्तारा एयरलाइंस है इसमें जो विस्तारा की फ्लाइट है इसमें 21,000, और मुंबई से जो पटना इंडिगो की फ्लाइट है 30,000, मुंबई से पटना एयर इंडिया की फ्लाइट है 30,000, मुंबई से पटना स्पाइसजेट की फ्लाइट है 19,930 इसमें किराया है। दिल्ली से पटना तक अधिकतम विमान दर क्या है, 10 नवंबर को दिल्ली से पटना विस्तारा 30,271, दिल्ली से पटना इंडिगो एयरलाइन आपको बता दें इंडिगो फ्लाइट्स 23,000, दिल्ली से पटना एयर इंडिया फ्लाइट्स 22,600, दिल्ली से पटना स्पाइसजेट 14,300। तो ये तो आपको मैंने बताया ये किराया है जो 10 नवंबर का। तो दिवाली और छठ में अब बिहार आना मुश्किल हुआ है क्योंकि फ्लाइट्स की कीमत लगातार आसमान छूती जा रही है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।